तो क्या आप भी चाहते हैं कुछ ऐसी इमेज जनरेट करना, कुछ ऐसी इमेजेस और कुछ ऐसी बिल्कुल कुछ 3D वाली इमेजेस, और ये साइबर पंक लुक में है और ये बिल्कुल रियल टेक्सचर के अंदर बनी हुई है और ये भी 3D में क्रिएट किया हुआ है। लेकिन इसके लिए मैंने मिड जर्नी यूज़ नहीं किया है, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मिड जर्नी को यूज़ किए बिना ही अपन ऐसी इमेज क्रिएट कर लेंगे। तो कैसे क्रिएट करनी है वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ आप देखोगे कुछ एक वेबसाइट का नाम है लेक्सिका, जहाँ पे आपको बस टाइप करना है और यहाँ पे इमेजेस ये जनरेट करके दे देगा। तो पहले अपन आते हैं होम पेज के ऊपर। अब यहाँ देखते हैं कुछ ऑलरेडी इमेजेस जनरेट की हुई है जो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जनरेट करी है, तो कुछ अपन को ऐसी चाहिए। तो यहाँ पे उसका प्रॉम्प्ट आ जाएगा। प्रॉम्प्ट का मीनिंग होता है इस वर्ड्स को यूज़ के, इन कीवर्ड्स को यूज़ करके जो इमेज जनरेट की गई है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रॉम्प्ट। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ और खुद का जनरेट करने के लिए अपन जाएंगे इस पर जनरेट के ऊपर। यहाँ जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉगिन। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ या फिर आप ईमेल आईडी से भी साइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और मुझे यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। कंट्रोल वी पेस्ट करके यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये जनरेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने जो रिजल्ट दिया है कुछ ऐसा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है रिजल्ट। आप इसमें चाहो तो एडिटिंग कर सकते हैं, फोटोशॉप अगर आपको आता है तो उससे भी हल्की फुल्की एडिटिंग आप इसमें कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप चाहते हैं कि इसमें और भी प्रॉम्प्ट जनरेट करनी है, इसमें कुछ और चीज़ें आपकी तरफ से ऐड हो जाए, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है लिटिल फेरी विथ रेड हेयर एंड गोल्डन हाईलाइट्स बिग ग्रीन लीफी विंग्स इन द स्टाइल ऑफ 90s विंटेज एनिमे। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा लिखता हूँ 3D कॉमा इन द एयर और एंटर। तो जैसे मैंने टाइप करी यहाँ पे एंटर किया, तो आप देख सकते हैं उसने पूरा रिजल्ट अपने हिसाब से चेंज कर दिया। जैसे मैंने 3D लिखा तो उसने उसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये थी अपनी पहली वेबसाइट जिसका नाम था लेक्सिका, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर। तो ये रही अपनी दूसरी वेबसाइट जिसका नाम है dreamlike.art, ये इस वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मॉडल है वो किस बेस पे जनरेट होगा वो ये बता रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग AI आपको इमेजेस शो करेगा जो लोगों ने ऑलरेडी जनरेट कर ली है। इससे पहले अपन क्या करना पड़ेगा, लॉगिन एंड साइन अप। यहाँ पे आप डिस्कॉर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं और गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे पूछेगा आपको अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना, तो मैंने कंट्रोल वी किया, यहाँ पे जो अपन ने प्रॉम्प्ट कॉपी कर रखा था वो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पेस्ट किया और जनरेट 5 इमेजेस पे क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे 5 आ रहा है, आप चाहो तो उसको कम कर सकते हैं। कम करने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि यहाँ पे आपके क्रेडिट कम यूज़ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दिन के क्रेडिट मिलते हैं 50। तो ये अपन ने इसको एक बार कम कर लिया। उसके बाद में आपको कैसा चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, डेस्कटॉप के लिए चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, वो सब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया ताकि थोड़ी सी 4x3 भी ले सकते हैं या 16x9 भी ले सकते हैं। 16x9 थोड़ा सा HD होता है। और जनरेट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे इमेज जनरेट हो रही है अपनी, काफ़ी अच्छी इमेज है, ये भी फार बेटर इमेज है। तो इस वेबसाइट का भी आप यूज़ करके अपनी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। फिर आते हैं इसकी नेक्स्ट वेबसाइट पे जिसका नाम है bluevillo.ai। ज्वाइन द फ्री बेटा इस पर क्लिक करना पड़ेगा या फिर ज्वाइन द, यहाँ पे क्लिक करके भी आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते डिस्कॉर्ड ओपन हुआ और एक्सेप्ट इन्वाइट किया। डिस्कॉर्ड अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, ये भी एक तरह का एक ऐप होता है, इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं जिससे आप अलग अलग सर्वर्स के अंदर एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो यह पूछ रहा है कि किस चीज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो अभी अपन ने स्किप कर दिया, अपन कोई नोटिफिकेशन चाहिए नहीं इस पर। सब्सक्राइब फिनिश, और अपन ने यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लिया है। बस आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप वेरीफाई कर ले भाई अपन इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने क्लिक किया, वेरीफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो मैं आगे उस सर्वर के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है Rookie 20, 21, 23, अलग अलग यहाँ पे चैनल्स बने हुए हैं, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे अपन देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने इमेज यहाँ पे जनरेट करी हुई। तो अपन कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट लिखा है उन्होंने उसको कॉपी और पेस्ट करना है। पहले आपको यहाँ पे इमेज ढूंढनी जो आपको सही लगी, लाइक दिस वन, ये इमेज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं इसका प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करना है, स्लैश इमेजिन, इमेजिन आ गया और यहाँ पे स्पेस आ रहा आपके लिए ताकि आप यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर सको। तो मैंने कंट्रोल वी करके यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया और एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा रिजल्ट यहाँ पे दे रखा है, आगे अपना नाम आ जाएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कहाँ पे दे रखा है। तो ये कुछ इसने रिजल्ट जनरेट किया जो कि एग्जैक्ट मिस जर्नी जैसा ही है, कुछ
10-15% का फर्क होगा, लेकिन वही का वही है सेम। अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा U1, U2, U3, U4 और नीचे मिलेगा वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4। तो ये होता है कि आपको किस वर्जन को एनहेंस करना है। तो जैसे मुझे सपोज करो ये वाला वर्जन अच्छा लगा, तो ये वर्जन 3 हो गया, मैंने U3 पे क्लिक कर दिया और इसका भी मुझे जनरेट करके नीचे दे देगा। ये सब बाकी लोग एंड्रॉइड जनरेट करते जा रहे हैं, इसलिए उसका डायरेक्ट भी शोर है। आपका जैसे जनरेट होगा नीचे यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये लास्ट में आते हैं तो ये अपना रिजल्ट यहाँ पे आ गया है, बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला रिजल्ट अपना था, यहाँ पे क्लिक करना है और आप राइट क्लिक करके यहाँ से सेव इमेज करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी इसको यूज़ करना, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा बस आपको स्लैश लगाना है। स्लैश लगा के यहाँ पे लिखना है इमेजिन और आपका प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप प्रॉम्प्ट टाइप करोगे उसका रिजल्ट आपको ये एंड्रॉइड दे देगा। ये बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी आराम से यूज़ करो इसको। आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक वेबसाइट होती है, इसका आपने नाम सुना होगा डाल-ई, ये वाली, लेकिन ये भी पेड है। जैसा आप देख सकते हैं 0 credit left। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी जनरेट करने की कोशिश करता हूँ तो ये बोलता है यू आर आउट ऑफ क्रेडिट्स। तो ये भी पेड वेबसाइट है। अब एक वेबसाइट और होती है जिसका नाम है leonardo.ai। ये भी सेम ऐसे ही लॉगिन होती है जैसे कि मैंने लॉगिन करके बताया, लेकिन ये मिड जर्नी के 99% क्लोज है, मतलब उसके जस्ट आसपास की वेबसाइट है। बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, देखते क्या कैसे रिजल्ट देना है। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी लोगों ने बना रखे हैं प्रॉम्प्ट, जैसे आपने देखा होगा। तो मैंने सपोज करो मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट आ जाएगा भाई इसने जिस बंदे ने इसको जनरेट किया है उसने यहाँ पे क्या टाइप करके इसको जनरेट किया है, ये उसका प्रॉम्प्ट है। नीचे बता रखा है आप डायरेक्ट कॉपी प्रॉम्प्ट कर सकते हो या इमेज टू इमेज डायरेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी प्रॉम्प्ट किया, कॉपी प्रॉम्प्ट करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे खुद का जनरेट करना है तो आपको सिंपली जाना है कहाँ पे, AI इमेज जनरेटर पर। तो मैं उस पर क्लिक किया, क्लिक करके आप देख सकते हैं ये कुछ पूछेगा कि भाई आपका क्या रोल है यहाँ पे, तो मैंने प्रोफेशनल किया, या आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं और टोटल मेरा जैसे 146 क्रेडिट बचा है एक दिन का। ये क्रेडिट 150 होता है पर डे, 24 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया और इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये पूछेगा आपको किस साइज़ में इमेजेस चाहिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कि 512x512 HD चाहिए तो 1024 कर सकते हो, और भी ज़्यादा HD चाहिए उसको फुल कर सकते हैं, इससे ये HD इमेज के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो लेकिन उसके लिए जितना ज़्यादा आप HD लोगे उतने ज़्यादा आपके टोकन कटेंगे। तो यहाँ पे 8 कट रहा है, अगर मैं कम से कम साइज़ लूँगा तो मेरे सिर्फ 2 टोकन कटेंगे। तो एक लैंडस्केप ले लेता हूँ इमेज और जनरेट पे क्लिक करता हूँ। जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है जो कि हर वेबसाइट पे ही लगेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत गजब इसने एक इमेज एक्सपोर्ट करके अपन को दी है। अगर ये इमेज आपको अच्छी लगी तो आप इसको एनहेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिले हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अब स्केल दिस इमेज, सेकंड दे रखा है HD स्मूथ, थर्ड दे रखा है HD क्रिप्स। तो ये सब आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे बस क्लिक करो और जनरेट करो। सबसे बेस्ट ये मुझे लगा leonardo.ai। इसके ऊपर हो सकता है मैं एक वीडियो और बनाऊँ डिटेल में कि आपको इसको लॉगिन कैसे किया जाता है। leonardo.ai और ब्लू विलो जो है सबसे बेस्ट है, ये दोनों मुझे खुद पर्सनली अच्छे लगे, इनसे मैं यूज़ करके अपने यूट्यूब की थंबनेल्स भी क्रिएट करता हूँ। तो ये थी अपनी लियोनार्डो वेबसाइट। आप जाओ तो इसके होम पेज पर जाके जो इमेज आपको अच्छी लगी वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सब कुछ इसमें फ्री है, लाइफ टाइम फ्री एक्सेस देता है आप। और अगर आप अपग्रेड पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिखा रखा है इसने जो कि 0 per month है। आप इसके अलावा बाकी आप सब्सिडी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको सब्सिडी जरूरत पड़ेगी। 150 टोकन बहुत होता है एक दिन के लिए, 24 hours के लिए। तो अच्छे से इनको यूज़ करिए। और तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी करके जाना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इमेज अच्छी जनरेट नहीं होगी, मजाक कर रहा हूँ, इमेज ऑटोमेटिक इससे जनरेट होती है सब। तो इस चैनल के ऊपर और भी AI के टूल्स मैं अपडेट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी फ्री के अंदर ऐसे आर्ट को जनरेट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग।